असेंबली इलेक्शंस के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजौरी जिला की बुद्दल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने इलेक्शन कैंपेन के तहत आज भी कई मकामात पर इलेक्शन मीटिंग्स को मुनक्किद किया गया। इस दौरान लोगों से मुखातिब होते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जावेद इकबाल चौधरी ने अपील की कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाया जाए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान व साथ ही साथ कांग्रेस इकाई के लीडरान भी उनके हमराह थे। जी असलम साहब और हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर साथी आज इस ऑफिस में आए हैं और हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ ब्रिगेड, अब सबको मेरा सलाम और आदाब। आज ये कोई स्पीच करने का ओकेजन नहीं है, आज जो हमारी यूथ टीम है उसने ऑफिशियली जो है ऑफिस अज्यूम किया है, आज से इन्होंने कामकाज शुरू करना है। ये बाबा साहब की जमात है या मियां अल्ताफ साहब की जमात है, हम सब मियां अल्ताफ साहब के सिपाही हैं। ये जो लोग बैठे हैं 500 हैं या हजार हैं, ये सिर्फ 500 हजार नहीं, ये 20 हजार हैं। और जहां तक मेरी टिकट का मसला है, मुझे खिदमत के लिए चुना गया है, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं एक वर्कर हूं, सोशल वर्कर हूँ, एक जज्बा है मेरे अंदर खिदमत का, इसलिए मुझे मियां अल्ताफ साहब की जो निकाह करम हमारी तरफ हुई, उन्होंने हमें इसलिए चुना कि वो लोग जो 20 साल वो गैरतमंद लोग जो 20 साल पेट पे पत्थर रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे, कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कभी उफ तक नहीं की, उनसे मजलूम मैं किसी को नहीं समझता इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उनकी खिदमत के लिए हमें लाया गया है, उन्होंने मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा जी बाजी असलम साहब से भी बात करो, उनको भी पार्टी में शामिल करो ताकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी कुछ कहीं पे ठिकाने पे लगे। आज आपने हालात देखे हैं, कितनी गुर्बत है हमारे एरिया में, कैसे हालात हैं, बाकी इलाका जहाँ इतनी डेवलपमेंट कर गए, और ये जो इलेक्शन है ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये मियाँ अल्ताफ साहब का और बाजी असलम साहब का इलेक्शन है, ये इनकी जात का इलेक्शन है, ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये आम आदमी का इलेक्शन है, गरीब आदमी का इलेक्शन है। जो हमारे सीनियर साथी हैं कि इंशाल्लाह जब हम 4 कदम इकट्ठे चलेंगे आपको मेरा पता चल जाएगा, मैं आपका खादम बन के नौकर बन के इंशाल्लाह काम करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब जावेद इकबाल साहब, एक मिनट के लिए मैं आपसे बात करने दो ना, तो सर ये बुद्धल की बात के बारे में बात करना, पता है कि 24-25 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका परचम हर कोने में यहाँ बुलंद हुआ है, क्योंकि ये सीट ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। तो जहां तक बात रही हमारे बुद्धल न्यू ब्लॉक की, अभी एक साथी ने बयान किया है, इंशाल्लाह बुद्धल न्यू ब्लॉक से 80% लोग हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मैं आखिर में आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने दूर दराज एरिया से आप आए, इस प्यार और मोहब्बत और खुलूस के लिए शुक्रिया। और मैं दुआ करता हूं और मेरे दिल की चाहत है कि मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं, और अल्लाह ताला करे कि मेरी मौत भी इसी पार्टी में हो, हमें पार्टी बदलने की जरूरत है।